भाजपा को दिलवा पाए? देखो, हमारा प्रभाव ज्यादातर दक्षिणी हरियाणा के अंदर है और गुड़गांव से लेकर के नांगल चौधरी तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारी की सारी सीट जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। अच्छा, आपकी आपकी बार ज्यादातर सीटों के ऊपर आपके कैंडिडेट मिले हैं आपको, तो आप दक्षिण हरियाणा से लगता है कि अब की बार कहीं ना कहीं चौधरी की जो लड़ाई थी वो पूर्ण करवा पाएंगे? देखो, पार्टी ने मेरी सीट या किसी और की सीट के नाते टिकट नहीं दिए हैं, सर्वे होते हैं और सर्वे के आधार के ऊपर जो सबसे सर्वप्रिय कैंडिडेट नज़र आता है उसको टिकट मुहैया करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य है कि जो लोग मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए थे तो सर्वे के अंदर उनका नाम सबसे अव्वल आया और उनको टिकट मिल गई। आरती राव को टिकट मिली, आज नॉमिनेशन किया है, किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया रहेगी, आप क्या कह रहे हैं? चुनाव तो जनता लड़ेगी, हमने तो अपना टिकट दिलवाने का काम कर दिया, अब जनता चुनाव लड़ेगी। सर, अहिरवाल की जनता पसंद दे रहा था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये अहिरवाल की जनता का कई सालों से सपना है, लेकिन 10 साल पहले जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों के साथ शामिल हुआ था तो उस टाइम तक कई लोग पार्टी के अंदर मुझे बाहर का एक व्यक्ति माना करते थे। मैं समझता हूँ जो मैंने और मेरी बेटी ने 10 साल मशक्कत करी है पार्टी के लिए, तो हमारे को शीर्ष नेतृत्व ने आज के दिन स्वीकार कर दिया। सर, नाराजगी जो है और प्रत्याशी थे उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी भी नजर आती है, उसको किस तरह से खत्म कर पाएंगे नाराजगी जो है? देखो, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो जो इंडिविजुअल होता है वो मन से अपनी वोट देता है। तो हम तो नाराजगी के लिए सभी से कहेंगे कि हमारा साथ दो, एक बार तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, और इस बार जब दो बार आप लोगों ने सरकार बनाने के अंदर पूरा योगदान दिया था तो क्या पता इस बार आपके योगदान के साथ हमारा जो आशाएं हैं, पब्लिक की आशाएं हैं, वो भी पूरी हो जाए। हाँ, वो पूरी। हाँ, मैं पहले तो जाऊँगा नारनौल, ओम प्रकाश जी का पर्चा भरवाने के बाद वहाँ पर लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ, और उसके बाद रामलाल जी के घर होता हुआ मैं यहाँ पर वापस आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी उनको टिकट उस टाइम तक दे देगी।